हेलो दोस्त, आज हम चटपट मसाला पानी पूरी बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती मीठी, उसमें हरी मिर्ची चाट डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंडिंग करेंगे। और आप तो देख रहे हैं, इधर अभी गुपचुप भी चल रहा है, उसको मार्केट में ऐसे ही अवेलेबल है। गुपचुप का पकेट आता है, उसमें से हल्दीराम का भी पकड़ आता है, उसको लेकर आप फ्राई भी कर सकते हैं ऐसे। और आप देख रहे हैं अभी ये आलू का भरता, जो उसका अंदर हम डालेंगे आलू बेथी कांदा, और उसमें हरी मिर्ची थोड़ा डाले बेथे, उसमें थोड़ा जीरा पाउडर और चटपट पाउडर जो कि वो जलजीरा पाउडर है, उसमें मिक्स करके उसको पूरा देसी स्टाइल में बनाएंगे। और दूसरा इधर इमली का भी चल रहा है, इमली को भी पानी भिगा के उसको रख रहे हैं, और इमली का उसको बराबर पानी में डाल के रखेंगे। और ये भी देख रहे हैं हरी मिर्ची जो है वो तो ऐसे डाले हैं हम, और उसके साथ हरी मिर्ची के साथ सूखा मिर्ची जो है उसको भी फ्राई करके उसमें डाल दिए। अभी अपना रेडी हो जाएगा आलू, जो कि उसका अंदर हम गुपचुप के अंदर डालेंगे, और धनिया पत्ती भी उसमें थोड़ा ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, मीठी टेस्ट के लिए, टेस्ट उसका बढ़ा देगा। बाकी अपना तो अभी गुपचुप रेडी हो गया है, फ्राई कर दिए है गुपचुप। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, उसमें आलू बनाएंगे और हम उसको फिर दूसरा पानी बनाएंगे, उसके लिए इमली का जो पानी बनाएंगे। अभी आलू रेडी हो रहा है, और आलू रेडी होने के बाद फिर वो उसको साइड में रखेंगे। अभी उसमें हम डाले हैं, बाकी सब डाले हैं, आपको तो पता है, सब देख रहे हैं आप भी। ये इमली का पानी अभी उसमें निकल रहे है, इमली का पानी, उसको गुपचुप का पानी जो बनाएंगे। और ये तो जबरदस्त पानी होने वाला है, क्योंकि वो है ही ऐसे। और दूसरा ये आ गया अभी पुदीना और धनिया पत्ती, इसमें जो हरी मिर्ची डाल के उसमें ग्राइंडिंग किए थे, ये वाला अभी मिक्स हो गया है, मीठी इमली मिक्स हो गया है। और नेक्स्ट हम उसमें अभी ऐड करेंगे, अभी इसमें देख रहे हैं, उसमें हम जलजीरा ऐड कर दिए है, अभी थोड़ा नींबू उसमें ऐड करेंगे, थोड़ा अभी नींबू भी उसमें निचोड़ देंगे, नींबू भी लगा दिए। अभी जलजीरा के साथ नींबू भी आ गया है, और उसमें पहले ही धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती भी, हरी मिर्ची है अभी, बाकी चल रहा है अपना प्रोसीजर पूरा बराबर रफ्तार स्पीड में चल रहा है। ये चटपट आज तो होने वाला है, मस्त है के होने वाला है, थोड़ा इंतजार करिए। अभी उसमें ऐड करेंगे नमक, ऐड करेंगे जो कि ब्लैक नमक है, वो नमक ऐड कर दिए। अभी ब्लैक नमक के साथ आप दूसरा नमक भी ऐड कर सकते हैं, टाटा नमक अभी हम भी थोड़ा ऐड कर दिए है, क्योंकि पानी बहुत है उसका, वो सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए। और ये नमक पूरा बराबर पानी के साथ है, नमक जितना चाहिए वो आ जाएगा। दूसरा अभी ये तो अपना रेडी हो गया है पानी, अभी ये तो बहुत मस्त लुकिंग ही मस्त आ रहा है उसका। और थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा आपको अगर खटास थोड़ा ज्यादा पसंद है तो और थोड़ा नींबू भी डाल देंगे उसमें, कि ज्यादा कम रहेगा तो भी ठीक नहीं है। और ये आ गया अपना मीठा पानी, एक आता है ना स्वीट स्वीट लगता है, जो मीठा पानी गुपचुप में देते है वही वाला स्वीट पानी है। और उसको एक मार्केट में अवेलेबल है ऐसे वाला पकेट, एक आता है जो कि पानी पूरी चटनी ऐसा आता है, उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ उसमें डालेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अभी अपना तो रेडी हो गया है ना, अभी पानी पूरी रेडी हो गया है, अभी सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कब उसको टेस्ट करेंगे।
और आपको भी सबको धन्यवाद जो वीडियो देखे हैं, और आप भी आ जाइए टेस्ट करने।